हेलो गाइस, वेलकम टू बॉटनी मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। आज हम अमीनो एसिड्स की बात करेंगे। 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं हम जानते हैं, और उनमें प्रेजेंट आर ग्रुप के बेस पर उन्हें हम क्लासिफाई करेंगे कि किन किन अमीनो एसिड्स में कौन कौन से आर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं मेनली। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? यह होते हैं ग्लाइसिन, एलिन, वैलिन और ल्यूसिन। बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये जो है ग्लाइसिन है, आप देख पा रहे होंगे, ये है एलिन, वैलिन और ल्यूसिन। ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो एलिफेटिक अमीनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सेकेंड टाइप की, कि सेकेंड टाइप के आर ग्रुप क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो सेकेंड टाइप का जो अमीनो एसिड्स के ग्रुप हैं वो है एरोमेटिक। एरोमेटिक जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं फेन्योलेनिन एंड ट्रिप्टोसिन और लास्ट में ट्रिप्टोफैन। ये तीन जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। जिनके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, आप देख पा रहे होंगे। ये जो है वो फेन्योलेनिन है जो कि एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है, और ये है ट्रिप्टोफैन जो कि एक स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, जो कि एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। नेक्स्ट हम थर्ड की बात करें तो थर्ड एरोमेटिक, आप देख पा रहे हो, ये है ट्रिप्टोसिन जो कि एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप के आर ग्रुप की, जो कि प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड्स में जनरली, जो कि है हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है किन अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है? वो अमीनो एसिड्स होते हैं सेरिन और थ्रेओनिन। सेरिन और थ्रेओनिन में ये हाइड्रोक्सिल आर ग्रुप प्रेजेंट होता है। बात करें इनके ग्रुप की तो सेरिन जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और थ्रेओनिन जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप के अमीनो एसिड्स जो हैं वो अनचार्ज पोलर साइड चेन की कैटेगरी में आते हैं। इसको हम अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो नॉन पोलर साइड चेन और साइड चेन, पोलर चेन, नेगेटिवली चार्ज के हिसाब से अकॉर्डिंगली कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं। 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की हम बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस टाइप के अमीनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जनरली प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट हम बात करें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स जो हैं वो होते हैं सिस्टीन और मिथियोनिन। नेक्स्ट हम बात करें इम्यूनो ग्रुप किन अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है, तो प्रोलीन एक सिंगल अमीनो एसिड्स है जिसमें इम्यूनो ग्रुप प्रेजेंट होता है एज अ आर ग्रुप। नेक्स्ट हम बात करें एमिनो, तो एमिनो जो आर ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है लाइसिन और एग्रिन, जिसका स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करें लास्ट जो आर ग्रुप होता है अमीनो एसिड्स में जो प्रेजेंट होता है मेनली, वो है एमाइड ग्रुप। जिन अमीनो एसिड्स की हमने बात की ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स थे, और इनके बारे में हम अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अमीनो एसिड्स को केमिकल नेचर्स के बेस पर कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, और वो कैटेगरी कौन कौन सी हैं, जो कि हैं एरोमेटिक, एलिफेटिक, हाइड्रोक्सिल, कार्बोक्सिलिक और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इम्यूनो कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, और एमिनो के साथ साथ हमने डिस्कस किया एमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉटनी मंत्रा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और बॉटनी मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब